नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल चार्जर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में सीखेंगे किस प्रकार हम अपने पीसी या लैपटॉप में किसी भी फाइल को ऑनलाइन वायरस स्कैनर की मदद से स्कैन कर सकते हैं और जान सकते हैं उसमें कोई वायरस या फिर मालवेयर तो नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा होता है जब भी आप यूएसबी ड्राइव या फिर अपने ईमेल से कोई फाइल एक्सेस करते हैं अपने पीसी या लैपटॉप में, तो आपको ये डर बना रहता है उसमें कहीं कोई वायरस या फिर मालवेयर तो नहीं है। अगर आपके पीसी या लैपटॉप में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है तो मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। चलिए जानते हैं आज ऐसे टॉप 3 वायरस स्कैनिंग वेबसाइट के बारे में जिनके द्वारा हम अपने पीसी लैपटॉप में किसी फाइल के वायरस को स्कैन कर सकते हैं और उन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे जो ऑनलाइन वायरस स्कैनिंग टूल है उसका नाम है वायरस टोटल। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। जैसे आप गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है वायरस टोटल और फर्स्ट नंबर का जो लिंक है www.virustotal.com इसको ओपन कर लेना है। अगर आपको ये लिंक नहीं मिलता है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 मेथड मिल जाता है अपनी फाइल्स को स्कैन करने के लिए। तो सबसे पहला मेथड जो फाइल्स के द्वारा, इसमें आप सिंपली अपनी फाइल को अपलोड कर दीजिए और उसे स्कैन कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन है इसमें यूआरएल का ऑप्शन, आप यहाँ से अपनी फाइल्स का यूआरएल है उसको लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट करके इसे स्कैन कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन है सर्च का ऑप्शन, आप अपनी डायरेक्ट अपनी फाइल्स को डोमेन नेम को या फिर आईपी एड्रेस में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च करके उसे डायरेक्ट स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या, आप चूज फाइल पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप चूज फाइल पर क्लिक करते हैं आपके कंप्यूटर में जो फाइल सेव है उसे रैंडमली किसी फाइल को जिसको आप स्कैन करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसे ओपन कर लेते हैं कुछ सेकंड्स में अपलोड हो जाएगी और ओपन हो जाएगी। तो देखिए हमारी फाइल ओपन हो चुकी है और इसमें स्कैन भी हो चुकी है। तो 60 से अधिक इसमें जो है ऑनलाइन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के द्वारा ये स्कैन कर दी जाती है, जिसमें देखिए जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस देख सकते हैं, पांडा एंटीवायरस देख सकते हैं, अवास्ट AVG एंटीवायरस देख सकते हैं, या फिर एवेरा, बहुत सारे एंटीवायरस आपको देखने को मिल जाएंगे जिसको द्वारा आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं अपनी फाइल्स को ऑनलाइन बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। इसमें सेकंड ऑप्शन है डिटेल्स का ऑप्शन, अपनी फाइल्स की डिटेल्स में आप यहाँ चेक कर सकते हैं और कम्युनिटी के ऑप्शन में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कम्युनिटी को। इसके बाद आप यहाँ पे 3 टैब आइकन का ऑप्शन, डॉटेड आइकन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन है जो मिल जाता है आपको रीएनालाइज का ऑप्शन, यानी आप दोबारा इसको रीस्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे रीस्कैन का ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। देखिए दोबारा स्कैन होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है और उसमें कोई वायरस डिटेक्शन नहीं है। तो इसके बाद में आपको सिंपली करना क्या, अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोबारा फिर इस फाइल को यहाँ पर 3 डॉटेड आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ से इसे डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप अपने वायरस ग्राफ है उसे ओपन कर सकते हैं, टोटल वायरस ग्राफ को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन है जिसके द्वारा आप इस वायरस स्कैन कर सकते हैं अपनी फाइल्स में, उसमें यूआरएल लिंक के द्वारा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यूआरएल पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद सिंपल आप जो अपनी वेबसाइट का लिंक है या फिर किसी भी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट का लिंक है आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए और उसे स्कैन कर लीजिए कि आपके फाइल्स में, फिर जैसे ईमेल का कोई लिंक है, ईमेल में कोई पीडीएफ का लिंक है तो आप यहाँ पे लिंक को पेस्ट कर दीजिए, उसे सर्च कर सकते हैं उसमें कोई वायरस फिर मालवेयर तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना है कि आप, जैसे मैं रैंडमली आपको बताने के लिए बता देता हूँ, मैं google.com को स्कैन कर लेता हूँ कि इसमें कितने वायरस है एंटीवायरस। तो www टाइप कर लेता हूँ यूआरएल लिंक। तो देखिए इसमें, देखिए जो हमने google.com को एंटर करते हैं इसमें देखिए यहाँ पे फिशिंग अटैक आ चुके हैं 7, इसमें 3 मैक्स के द्वारा इसमें वायरस डिटेक्शन हो चुका है। तो जैसे आप यहाँ पे नीचे देखेंगे इसमें देखें आपको फर्स्ट नंबर पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिंक देखने को मिल जाएगा, इसमें आईपी एड्रेस आप अपना देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटस कोड देख सकते हैं, बॉडी लेंथ देख सकते हैं, उसके बाद अलावा आप यहाँ से कंटेनर हेडर्स आप यहाँ से देख सकते हैं अपनी वेबसाइट का। यहाँ पे कम्युनिटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी आप देख सकते हैं सेफ और अनसेफ में कितनी यहाँ पे वोट्स आपको मिल चुके हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इसमें जो थर्ड और लास्ट ऑप्शन है उसका ऑप्शन है सर्च का ऑप्शन है, आप अपनी आईपी एड्रेस या किसी का डोमेन नेम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट उसे स्कैन करने के लिए। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन के साइन इन भी कर सकते हैं और साइन अप भी कर सकते हैं बस। उसके बाद में जो सेकंड नंबर का ऑनलाइन वायरस स्कैनिंग टूल्स आता है उसका नाम है जॉटी। तो चलिए टाइप कर लेते हैं JOTTI और एंटर कर लीजिए। देखिए जो फर्स्ट नंबर का जो है जॉटी मालवेयर स्कैन, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है, .org पर क्लिक कर लेना है। अगर आपको लिंक नहीं मिलता तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड ओपन कर सकते हैं। इसका अंदर इसमें आपके पास कुछ सिंपल इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। देखिए आपको कुछ पॉपुलर स्कैन एंटीवायरस स्कैन आपको देखने मिल जाता है अवास्ट AVG, आप इसके द्वारा अपनी फाइल्स को स्कैन कर सकते हैं। सिंपली आपको बना के बस ब्राउजर पर क्लिक कर लीजिए, इसके बाद अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और इसे ओपन कर लीजिए। तो जैसे आप इसे ओपन कर लेते हैं देखिए ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है और ये अपलोड होने में कुछ टाइम लग रहा है, ये अपलोड हो चुकी है। इसके बाद में देखिए आप ये वायरस स्कैन होने स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए फाउंड नथिंग और वेटिंग फॉर स्कैनर, यानी कि अलग अलग एंटीवायरस की मदद से अपनी फाइल को स्कैन करके बताएगा कि आपके फाइल्स में कोई एंटीवायरस या फिर कोई वायरस या फिर मालवेयर तो नहीं है। ये दो इन ऑनलाइन वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप डायरेक्ट अपनी फाइल्स को बिना किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के स्कैन कर सकते हैं। तो आप भी इसे यूज कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि यहाँ पे मिलते हैं आपको टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।